नमस्कार, मैं हूं रुखसार खान और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी पर देश प्रदेश बुलेटिन। फर्जी एसडीएम की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बुलंदशहर के खुर्जा नगर में रियल लाइफ में एक युवक को आईएएस बताकर रौब दिखाना पड़ा भारी। खुर्जा तहसील परिसर स्थित एसडीएम बनकर सोमवार को दोपहर एक युवक पहुंचा, जहां उसने अपना परिचय आईएएस 2017-18 बैच नाम कालीचरण का दिया, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ईसा प्रिया ने युवक को बैठाकर उसकी समस्या सुनी। तभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को युवक की बातों पर संदेह हुआ तो उन्होंने युवा से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने पुलिस को बुलाया और युवक को पुलिस की हिरासत में दे दिया। तलाशी के दौरान संदिग्ध युवक के पास एक आई कार्ड पाया गया है, जिसमें विभिन्न जानकारियों के साथ साथ एसडीएम हरिद्वार लिखा हुआ था। बताया गया है कि कथित एसडीएम महोबा जिले का रहने वाला था, जो कि फर्जी एसडीएम बनकर वहां अपने मित्र की जमीन को परमिशन दिलाने के लिए एसडीएम खुर्जा के पास पहुंचा था। पूरी तरह से जांच के बाद सारा मामला फर्जी साबित हुआ, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्टेड नहीं हुए, मैंने सिर्फ एग्जाम दिया था। नहीं, आप ये बताइए आप मैम के पास गए थे, उनको आपने आईएएस बताया कि मैं आईएएस हूँ? मैंने कार्ड भी आपका बना हुआ है कि आपने ये बताया कि मैं एडीएम के पद पे तैनात रहा हूँ हरिद्वार, जबकि आप बने ही नहीं आईएएस। नहीं सर, मैंने मैम से जो मेरी बात हुई वो चालीस दिन के लिए जमीनी आपने पर्चे एडीएम के नाम से उन्होंने मैंने उनको ये बताया कि मैं मेरा अपियर्ड है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम पोस्टेड नहीं आया हूँ। आपका जो कार्ड है वो फर्जी तरीके से दिखाई दे रहा है, कॉपी कार्ड सर देखिए वो ऐसा है, उसमें कार्ड मेरा मतलब वो वहीं से ही था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं कहाँ से कहाँ से था वो कार्ड? वो स्कैन करके जहाँ सेंटर से बनता है एडीएम का सीधा। एडीएम की पोस्ट पर कितने दिन नौकरी करी, कहाँ करी आपने? सर इसमें एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बेस पर जो है बता। नहीं तो कहाँ पोस्ट रहे आप एडीएम के पोस्ट पर? सर हरिद्वार जो है बताया था, हरिद्वार। नहीं जब आप यहाँ किस काम से आए थे बोले? यहाँ पर सर चाचा जी के साथ में आया था। किस काम से आए थे? तो चाचा जी के साथ जमीनी मैटर से आया। सर एक खुर्जा नगर में फर्जी आईएएस पकड़ा गया है, सर क्या पूरा मामला है, कहाँ से ये पकड़ा गया? आज जो है कालीचरण वर्मा सनोफ सुंदरलाल वर्मा महोबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। हाल पता इसका जो है प्रताप विहार कॉलोनी गाजियाबाद में रहता है ये, और ये आज एक व्यक्ति महेश सनोफ विजयपाल जो एससी की जमीन थी उसको बिकवाने के लिए परमिशन हेतु ये तहसील पे आया था, जहां लोगों को शक हुआ और मुखबिर द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि कोई फर्जी अफसर टाइप का लग रहा है जो लोगों से इधर उधर के काम की बात कर रहा है। पुलिस गई वहां पर, मौके से उसको पकड़ के लाई, जिसके कब्जे से जो है एक फर्जी आई कार्ड मिला जो जिस पर एडीएम उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, और समझू धाराओं में मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजा। सर क्या बताया था अभी मैं पूछताछ में कुछ बताया? सर ये सब बताया जा रहा है कि एडीएम हरिद्वार में ये तैनात रहे थे, ये भी बताया? हाँ, इन्होंने ये बताया, इनसे पूछताछ में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि मैं एडीएम हरिद्वार हूँ और मैं जो है 17-18 बैच का आईएएस अफसर हूँ। इस तरह से इन्होंने बताया, आई कार्ड देखा गया तो वो क्लोन करके फर्जी आई कार्ड है ये, इस तरह का इन्होंने बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी न्यूज 9 लाइव टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें न्यूज 9 लाइव टीवी। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।